नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में एक मामला सामने आया था जो छोटा हरिद्वार में महिला चेंजिंग रूम के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाने का था, जिसे लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिससे पुलिस के होश भी उड़ गए हैं। पुलिस को मामले में आरोपी महंत मुकेश गोस्वामी के फोन में महिलाओं के करीब 300 से अधिक वीडियो फुटेज मिली है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद के छोटा हरिद्वार घाट के आरोपी महंत को 3 राज्यों में खोजा जा रहा है। उसे पकड़ने के लिए 2 पुलिस टीमें बनाई गई हैं। उसकी तलाश में गाजियाबाद के साथ ही दिल्ली, हरिद्वार, बागपत, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज में भी पुलिस छापेमारी कर रही है। आरोपी महंत के शर्मसार कर देने वाले कारनामों से हर कोई हैरान है। पुलिस को सीसीटीवी के डीवीआर से करीब 300 फुटेज बरामद हुए हैं, जिनमें चेकिंग रूम में कपड़े बदलती महिलाओं के फुटेज हैं। आरोपी महंत इनको अपने मोबाइल में लाइव देखता था। पुलिस ने आरोपी महंत की तरफ से घाट पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने उस चेंजिंग रूम को भी ढहा दिया है जिसमें सीसीटीवी लगा हुआ था। दरअसल 24 मई को हुई इस कार्रवाई में पुलिस प्रशासन की टीम ने आरोपी महंत की गंग नहर के किनारे सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी 10 से 11 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया है। वो इन दुकानों को किराए पर उठाकर बड़ी रकम पैदा किया करता था। गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में बहने वाली गंग नहर का घाट छोटा हरिद्वार के नाम से मशहूर है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। घाट के किनारे चेंजिंग रूम बने हैं जिसमें महिलाएं स्नान के बाद कपड़े बदलती हैं। इसी चेंजिंग रूम में घाट का महंत मुकेश गिरी गंदी नजर रखता था। महंत ने चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा था और इस कैमरे की लाइव फुटेज वो अपने मोबाइल पर देखा करता था। स्नान के बाद कपड़े बदलती महिलाओं के फुटेज मोबाइल में कैद मिले हैं, जो इसका प्रमाण है। घाट के महंत मुकेश की इस काली करतूत का खुलासा 21 मई को हुआ। दरअसल घाट पर स्नान करने के बाद एक महिला अपनी 14 साल की बेटी के साथ चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने गई। इस बीच अचानक महिला की नजर वहां लगे सीसीटीवी पर पहुंची। जब उसने इसकी शिकायत घाट पर मौजूद जिम्मेदारों से की तो उन्होंने महिला को डराना धमकाना शुरू कर दिया। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से की और इस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर ली। आरोपी महंत मुकेश गिरी घटना के बाद से फरार है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम दबिश दे रही है। पुलिस ने आरोपी महंत का मोबाइल बरामद कर लिया है, जिसमें से 5 दिन का डेटा मिला है। मोबाइल से महिलाओं के कपड़े बदलते समय की सीसीटीवी क्लिप भी मिली है। वहीं पुलिस आरोपी महंत की तलाश में जुट गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।